हेलो फ्रेंड्स, ये है चिवड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें मूंगफली, पोहा, शुगर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और तेल। तो इसके लिए पहले थोड़ी, ये मैंने थोड़ी बड़ी प्लेट ले ली है थाली, और इस पर छोटी थाली, और वो कानने वाला चीबा आता है ना वो, और एक और चाहिए छोटी सी जारी तलने के लिए। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद उसे गर्म होने देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तेल गर्म हुआ या नहीं। तो हाँ, नहीं, लगभग अब तो नहीं हुआ है। मैंने पोहा का चिवड़ा लगभग 2 दिन पहले ही बनाया था, तो ये वीडियो 2 दिन बाद के लिए आ रहा है। तो बाकी सारे पोहे निकाल देते हैं, अब चेक कर लेते हैं। हाँ, बस गर्म हो चुका है। तो अब इस तरह से करने से क्या होता है, अगर पोहा इधर इधर नहीं जाएगा और एक बकेट में ही रहेगा, तो हम उससे से निकाल देंगे। अगर ये नहीं होगा तो पोहा को निकालने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उतना नहीं लगेगा। सो बी केयरफुल, फटाफट हो जाएगा। और ऐसे ही आप डाल दोगे तो ठीक है ना, क्या हो जाएगा। समझ जाइए। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बाकी का जो बचा हुआ तेल होगा ना, वो नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सारे पोहे तल लेते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा रेसो नहीं दिया है, मैंने लगभग 3 कप पोहे लिए हैं। और बस उसे से आपको अगर बनाना है पहले, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। मैंने पहले थोड़ा बनाया था, फिर चखा, मुझे बहुत टेस्टी लगा, बाद में बहुत सारा बना दिया। तो ये है मूँगफली, मेरे घर में जो भी था मैंने उसी से ही बनाया है। और हाँ, गुजरात के सभी चेवड़े में मूंगफली होती है। तो मूंगफली किस लिए, कि थोड़ा नटी फ्लेवर आए, वो भी फ्राई करा हुआ, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये चलो हो गई। तेल ज़्यादा गर्म है, इसीलिए उसे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट। ये देखो, ये हो गया ना, ज़्यादा मन फूट जाएगी। ये देखिए कितना सारा हो गया ना, मैंने 3 कप ही पोहे लिए थे। मुझे थोड़ी और चाहिए मूंगफली, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मूंगफली हो गई। चलिए अब ये भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तेल गर्म है। हाँ, तेल ज़्यादा गर्म मत रहे, वरना पोहे जल जाएंगे। तो मीडियम आंच पर, ठीक है। ये देखिए हो गया, अच्छे से हिला लेंगे पोहे को। अब हम इसे थोड़े मसाले कर लेते हैं। क्या डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालना, तो सिर्फ 3 ही है। ये हल्दी, हल्दी किस लिए, टेस्ट के लिए नहीं है, कलर के लिए। कुछ लोगों को वाइट पसंद नहीं आता। नमक स्वाद अनुसार, और शुगर पाउडर यानी कि चीनी का पाउडर। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बता देती हूँ। मेरे घर में चीनी पड़ी हुई थी और मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, बन गया। मूंगफली से बाहर से लेकर आओ, इससे अच्छा है ना घर में चीनी पड़ी हुई है, आप ग्राइंड कर लो। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, मुझे थोड़ा मीठा चाहिए था, तो मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा ज़्यादा मीठा नहीं है, थोड़ा माइल्ड फ्लेवर, कुछ कमी तो है। चलिए अब कलर तो इतना बराबर नहीं दिख रहा हमें, तो कलर के लिए थोड़ी हल्दी वापस से डाल देते हैं। ये देखिए, ये हल्दी हमने डाल दी, फिर भी टेस्ट थोड़ा कुछ कमी तो लग ही रहा है, चख लेती हूँ फिर से। शुगर पाउडर, मुझे ज़्यादा सॉल्टी पसंद नहीं है, तो ठीक है ना, चलता है। क्या करें, बाहर का खाने से अच्छा है कि घर में कुछ बना लो जो हमारे पास है घर पे, तो अच्छा है ना। और ये आप 1 हफ्ते या 1 महीने तक बिगड़ेगा नहीं। ये देखिए, लुक भी अच्छा है। और चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये, और हाँ, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाहर की कोई चीज़ नहीं है, घर की है सारी चीज़, आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो बना कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।